नमस्कार फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू अवर चैनल प्रशांत सर ऑफिशियल। आई एम प्रशांत पाटिल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पार्ट थ्री ऑफ क्लीनिंग वैलिडेशन। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई रिक्वेस्ट यू टू विजिट पार्ट वन विच इज on the basic concept of cleaning validation. Part 2, I have discussed about the cleaning validation protocol and cleaning validation report. And in today's session, we are going to discuss about the selection of worst cases. That means worst case product, worst case sampling location, worst case process, and selection of cleaning agent. Definition of worst case as per Annexure 15 of PE 009-30: a condition or set of conditions encompassing upper and lower processing limits and circumstances within standard operating procedures which pose the greatest chance of product or process failure when compared to the ideal condition. Such condition do not necessarily induce product failure or process failure. यहां पे क्या बताना चाह रहे हैं? स्टैंडर्ड प्रोसीजर जो हम फॉलो करते हैं उससे कंपेयर करेंगे तो अपर एंड लोअर प्रोसेसिंग लिमिट एंड सर्कमटेंसेस में जो भी conditions आती है और set of conditions आती है where चांसेस ऑफ प्रोडक्ट और प्रोसेस फेल्यूर ज्यादा है, दैट इज वर्स्ट केस। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में इसको समझना चाहे तो द वर्स्ट केस रेफर्स टू द सिनेरियो और कंडीशन दैट रिप्रेजेंट्स द हाईएस्ट पोटेंशियल रिस्क टू द प्रोडक्ट क्वालिटी इफ क्लीनिंग प्रोसीजर आर नॉट इफेक्टिव। मतलब क्या है? ऐसी सिचुएशन और ऐसी कंडीशन जहां पे मेरा जो प्रोडक्ट है वो हाईएस्ट पोटेंशियल रिस्क पे जाएगा अगर हमने क्लीनिंग प्रोसीजर्स इफेक्टिव क्लीनिंग प्रोसीजर्स फॉलो नहीं की तो। दैट मींस दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वर्स्ट केस। व्हाई सिलेक्ट अ वर्स्ट केस प्रोडक्ट? वर्स्ट केस प्रोडक्ट मींस हार्डेस्ट टू क्लीन प्रोडक्ट। हमें वर्स्ट केस प्रोडक्ट क्यों सिलेक्ट करना है? उसका नंबर वन रीजन है इट रिप्रेजेंट्स द मोस्ट चैलेंजिंग सिनेरियो। नंबर टू, इट्स एंश्योर्स क्लीनिंग प्रोसेस इफेक्टिवनेस ऑफ क्लीनिंग प्रोसेस। और ये रेगुलेटरी कंप्लायंस के लिए बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है, इसके लिए हमें वर्स्ट केस प्रोडक्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा। अभी व्हाट आर दोस क्राइटेरिया? वर्स्ट केस प्रोडक्ट सिलेक्ट करने का क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया नंबर वन, इट्स सोलिबिलिटी एंड स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी मीन्स रेसिड्यू स्टेबिलिटी हियर ये इन दिस केस। दूसरा, पोटेंशियल ऑफ द प्रोडक्ट। तीसरा, एचबीएल्स और टॉक्सिसिटी। और चौथा, प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्सिटी एंड फॉर्मुलेशन। ये चार ही सिचुएशन है, उसके बेस पे हम लोग वर्स्ट केस प्रोडक्ट सिलेक्ट करेंगे। तो इसको थोड़ा और एलैबोरेटली समझते हैं। हेल्थ बेस्ड एक्सपोजर लिमिट्स, दैट इज HBELS, और टॉक्सिसिटी। यहां पे हाईएस्ट टॉक्सिसिटी प्रोडक्ट्स रिक्वायर स्ट्रिंजेंट क्लीनिंग। सिमिलरली प्रोडक्ट विथ लो पीडी वैल्यूज और एडी वैल्यूज, दैट इज परमिटेड डेली डोज और एक्सेप्टेबल डेली डोज जिसका कम है, दोज प्रोडक्ट रिक्वायर स्ट्रिंजेंट क्लीनिंग। अगर सॉलिबिलिटी का बात करें तो पुअरली सॉल्युबल प्रोडक्ट्स आर हार्डर टू क्लीन। दैट मीन्स इनसॉल्युबल प्रोडक्ट है तो वो क्लीन करना हमें बहुत तकलीफ देगा। पोटेंसी का बात करेंगे तो हाईएस्ट पोटेंसी वाले जो प्रोडक्ट है दोज प्रोडक्ट्स नीड थरो क्लीनिंग। और प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्सिटी का बात करेंगे तो प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्सिटी में क्या क्या आता है? अगर वो स्टिकी प्रोडक्ट है, ऑयली है, मल्टीपल फॉर्मुलेशंस, मल्टीपल एपीआई वाला प्रोडक्ट है, कलर्ड प्रोडक्ट है, तो ऐसे प्रोडक्ट जो है उनके क्लीनिंग के लिए हमें ज्यादा टाइम लगेगा और उसको थरो क्लीनिंग हमें करना पड़ेगा। राइट, अभी इसमें ये सारी एक्टिविटी करने से पहले प्रोडक्ट वर्स्ट केस प्रोडक्ट सिलेक्ट करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्ट को मैट्रिक्सिंग करना पड़ेगा, प्रोडक्ट मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। व्हाट इज प्रोडक्ट मैट्रिक्स? प्रोडक्ट मैट्रिक्सिंग इज अ स्ट्रेटजी टू रिड्यूस द नंबर ऑफ क्लीनिंग वैलिडेशन स्टडीज रिक्वायर्ड।
अगर हम प्रोडक्ट मैट्रिक्सिंग करेंगे तो हमें ईच प्रोडक्ट के ऊपर क्लीनिंग वैलिडेशन करने की जरूरत नहीं है और हमारा वर्स्ट केस प्रोडक्ट सिलेक्शन करना इजी हो जाएगा। इंस्टेड ऑफ वैलिडेटिंग क्लीनिंग प्रोसेस फॉर एवरी सिंगल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड, सिमिलर प्रोडक्ट्स आर ग्रुप्ड इनटू अ मैट्रिक्स बेस्ड ऑन द सर्टेन क्राइटेरिया। वो क्राइटेरिया क्या है वो आगे हम देख लेंगे। द क्लीनिंग प्रोसेस इज वैलिडेटेड फॉर रिप्रेजेंटेटिव प्रोडक्ट और वर्स्ट केस सिनेरियो विद इन एज ग्रुप। प्रोडक्ट मैट्रिक्सिंग की जरूरत इसके लिए है। यहां पे एक अजम्पशन होता है, वो अजम्पशन क्या होता है, द अजम्पशन इज दैट इफ द क्लीनिंग प्रोसेस इज इफेक्टिव फॉर रिमूविंग अ रेसिड्यू ऑफ अ रिप्रेजेंटेटिव प्रोडक्ट दैट इज वर्स्ट केस प्रोडक्ट, इट विल बी इफेक्टिव फॉर ऑल प्रोडक्ट्स इन दैट ग्रुप। तो हम अगर प्रोडक्ट के ग्रुप बनाएंगे तो हमें एक ग्रुप के लिए एक क्लीनिंग वैलिडेशन का रन करना पड़ेगा। और यहां पे अजम्पशन ये होता है कि अगर मैं वर्स्ट केस प्रोडक्ट को मेरी क्लीनिंग प्रोसीजर रिमूव करने में कैपेबल है, इसका मतलब अदर सारे प्रोडक्ट के लिए ये सेम क्लीनिंग प्रोसीजर अगर मैं अप्लाई करूं तो उसके रेसिड्यू वो निकाल पाएंगे, राइट। अभी स्टेप्स कौन से हैं, स्टेप्स इन प्रोडक्ट मैट्रिक्सिंग फॉर क्लीनिंग वैलिडेशन। पहला स्टेप है ग्रुपिंग ऑफ द प्रोडक्ट। अभी ग्रुपिंग कैसे कैसे करना है, बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटीज। सिमिलैरिटी में क्या क्या आ सकता है, सोलिबिलिटी आ सकती है, मतलब सारे सोलिबल सोलिबल प्रोडक्ट एक साइड पे, इनसोलिबल प्रोडक्ट दूसरे साइड पे किए, पोटेंसी बेस पे हम ग्रुपिंग कर सकते हैं, क्लीनिंग डिफिकल्टी के बेस पे कर सकते हैं, हार्ड टू क्लीन है, कलर वाले प्रोडक्ट है, पोटेंशियल रेसिड्यूज है, मतलब एपीआई की पोटेंसी या टॉक्सिसिटी के बेस पे हम लोग ग्रुपिंग कर सकते हैं। सिलेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्रोडक्ट ये दूसरा स्टेप है। उसमें क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव प्रोडक्ट और वर्स्ट केस प्रोडक्ट इज चोजन फ्रॉम ईच ग्रुप। दिस प्रोडक्ट टिपिकली हैज द मोस्ट चैलेंजिंग क्लीनिंग रिक्वायरमेंट। ये कैसे सिलेक्ट करना है वो हम आगे वाले आने वाले स्लाइड में सीखने वाले। उसके बाद स्टेप नंबर थ्री क्या है, परफॉर्म क्लीनिंग वैलिडेशन, क्लीनिंग वैलिडेशन करो। एंड स्टेप नंबर फोर क्या है, जस्टिफिकेशन। जस्टिफिकेशन मीन्स हमने ग्रुपिंग कैसे किया, वर्स्ट केस प्रोडक्ट कैसे सिलेक्ट किया, वो सारा हमें जस्टिफिकेशन देके रेगुलेटरी अथॉरिटीज को देना पड़ता है। तो हमारा जो मैट्रिक्सिंग होता है वो तीन चार स्टेप में होता है, जैसे वो ग्रुपिंग, सिलेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्रोडक्ट, क्लीनिंग वैलिडेशन परफॉर्म एंड जस्टिफिकेशन। ओके, नाउ यहां पे देखो हाउ टू सिलेक्ट वर्स्ट केस प्रोडक्ट। वर्स्ट केस प्रोडक्ट सिलेक्ट करते वक्त हमें फर्स्ट क्राइटेरिया अप्लाई करना है सोलिबिलिटी, जैसे मैंने बोला था। जनरली वाटर यूज करते हैं तो वाटर सोलिबिलिटी इन वाटर हम कंसिडर करेंगे। अगर आप वाटर नहीं यूज कर रहे हो तो जो भी सोलवेंट यूज कर रहे हो उसमें आप वो प्रोडक्ट की सोलिबिलिटी आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है। यहां पर देखो, यहां पर प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी इनसोल्यूबल है, तो अगर मैं खाली ओनली सॉलिबिलिटी बेस पे ये डिसाइड करना चाहूं कि मेरा कौन सा वर्स्ट केस प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट ए भी मेरा वर्स्ट केस बन रहा है, प्रोडक्ट डी भी मेरा वर्स्ट केस बन रहा है, क्योंकि दोनों इनसोल्यूबल है। स्पेरिंगली सोल्यूबल, सोल्यूबल इनसोल्यूबल के अगेंस्ट अगर, फ्रीली सोल्यूबल इनसोल्यूबल के अगेंस्ट अगर कंपेयर करेंगे तो मेरे जो भी इनसोल्यूबल प्रोडक्ट है वो वर्स्ट केस बन रहे। लेकिन अगर ये दो प्रोडक्ट मेरे सॉलिबिलिटी के बेस पे वर्स्ट केस बन रहे तो क्या, उसके ऊपर हमें दूसरा क्राइटेरिया अप्लाई करना पड़ेगा। दूसरा क्राइटेरिया क्या है, हमने सॉलिबिलिटी देख ली, अभी पोटेंसी के साथ उसको कंपेयर करते हैं। यहां पे इनसोल्यूबल हमने आइसोलेट किया, इनसोल्यूबल में पोटेंसी किसकी हाई है, इसकी हाई है, प्रोडक्ट डी की भी हाई है। यहां पे एक सिनेरियो और है जहां पे पोटेंसी वेरी हाई है लेकिन वो फ्रीली सोल्यूबल है। फ्रीली सोल्यूबल है मतलब फिर वो क्लीनिंग में इजिली निकल जाएगा। तो यहां पे क्या बन रही सिचुएशन, यहां पे मेरा इनसोल्यूबल प्रोडक्ट है, हाई पोटेंसी है, इसके लिए ये जो प्रोडक्ट है मेरा प्रोडक्ट डी ये वर्स्ट केस बनेगा। यहां पे प्रोडक्ट इनसोल्यूबल है लेकिन पोटेंसी लो है, यहां पे प्रोडक्ट इनसोल्यूबल है पोटेंसी हाई है, इसके लिए मेरा प्रोडक्ट डी अकॉर्डिंग टू सोलिबिलिटी एंड पोटेंसी मैट्रिक्स ये वर्स्ट केस प्रोडक्ट बन रहा है। अभी और एक क्राइटेरिया हमें अप्लाई करना पड़ेगा, ये कौन सा क्राइटेरिया अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, टॉक्सिसिटी उसमें ऐड कर रहे हैं। अभी समझो मेरे दो प्रोडक्ट आ रहे हैं जो सोलिबिलिटी बेस पर, या मल्टीपल प्रोडक्ट आ रहे हैं जो सोलिबिलिटी बेस पर वर्स्ट केस बन रहे, तो हमने क्या किया, पोटेंसी अप्लाई किया। पोटेंसी अप्लाई करने के बाद दो प्रोडक्ट ऐसे आ रहे हैं जिसके हमें वर्स्ट केस बना रहे। उसके बाद हमने क्या किया, टॉक्सिसिटी अप्लाई किया। टॉक्सिसिटी अप्लाई करने के बाद हाई टॉक्सिसिटी, हाई टॉक्सिसिटी, तो प्रोडक्ट इनसोल्यूबल है, हाईली पोटेंट है, हाईली टॉक्सिक है। तो ऐसे प्रोडक्ट दो सिचुएशन आ रहे हैं मेरे पास, एक आ रही है प्रोडक्ट डी, एक आ रही है प्रोडक्ट ई। यहां पे हमें ये कैलकुलेट करना है कि किसकी टॉक्सिसिटी ज्यादा है, हाई मतलब कितनी है, 40 है 50 है। अगर इस प्रोडक्ट डी की 40 है, प्रोडक्ट ई की 50 है, तो मेरा प्रोडक्ट ई वर्स्ट केस बन जाएगा।
अगर दोनों की सेम सेम है तो हमको PDE और ADE वैल्यूज, दैट मीन्स हेल्थ बेस्ड एक्सपोजर लिमिट के ऊपर कैलकुलेट करना पड़ेगा और हमें कलर भी उसमें जोड़ना पड़ेगा। जैसे कि ये हाइपोटेंसी वाले, इसमें से अगर कोई एक प्रोडक्ट येलो कलर है, एक प्रोडक्ट व्हाइट कलर है, तो ये प्लस येलो कलर वाला जो है वो मेरा वर्स्ट केस बन जाएगा। तो हमें अकॉर्डिंगली वर्स्ट केस प्रोडक्ट सिलेक्ट करने पड़ेंगे। अभी यहां पे और एक जोड़ते हैं, हमने क्या किया, जनरली आप अगर पीडी बेस पे जा रहे हो तो आपको LD50 मतलब टॉक्सिसिटी कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर पीडीए का आप कैलकुलेशन देखोगे तो यहां पे पीडी नोवेल नो ऑब्जर्वेबल इफेक्ट लेवल जो है वो कंसिडर करनी पड़ती है पीडी कैलकुलेशन में, और एनओईएल किसके ऊपर कैलकुलेट हो रहा है, ये LD50 के बेस पे कैलकुलेट हो रहा है। तो हम लोग पीडी के बेस पे अगर करते हैं तो हमें टॉक्सिसिटी कंसिडर करने की सेपरेटली जरूरत नहीं है। अभी यहां पे देखो दो सिचुएशन है जहां पे मेरा पोटेंसी भी हाई है, पीडी भी है ज्यादा है, और सोलिबिलिटी भी इनसोल्यूबल है, तो यहां पे दो है। तो अगर ये सिचुएशन देख के शायद किसी को लग सकता है कि 700 मतलब पीडी ज्यादा है तो ये वर्स्ट केस है, लेकिन पीडी ज्यादा इसका मतलब मैक्रो वैल्यू भी ज्यादा। तो जिसका पीडी कम है मतलब परमिटेड डेली एक्सपोजर जिसका कम रहेगा, इट विल बिकम योर वर्स्ट केस प्रोडक्ट। आपके पास हेल्थ बेस्ड एक्सपोजर लेवल कंसिडर करने के लिए दो ऑप्शन रहते हैं, उसमें एडीई भी है और पीडीई भी है। आप कौन सा कैलकुलेट करने वाला है, जनरली फॉर्मुलेशन में पीडीई कंसिडर किया जाता है। ओके, नाउ हमने अभी वर्स्ट केस प्रोडक्ट का तो कंसिडर का सिलेक्शन समझ लिए, लेकिन अभी वर्स्ट केस सैंपलिंग लोकेशन, मतलब सैंपलिंग लोकेशन कैसे सिलेक्ट करने हैं, वर्स्ट केस कौन से एरिया से हमें सैंपल लेना है। एक इक्विपमेंट है उसमें 10 एरिया होते हैं, तो कौन से एरिया को कैसे सिलेक्ट करना है ये हम समझेंगे। एक होता है क्राइटेरिया इक्विपमेंट डिजाइन, डिजाइन में उसका साइज शेप स्केल कितना बड़ा है कितना छोटा है, उसके ऊपर एक सिलेक्शन आ जाएगा कि ये इक्विपमेंट में कौन से, जैसे कि कॉर्नर्स है साइज शेप में बड़ा है तो सेंटर में हम पहुंच नहीं पाएंगे, वहां पे रिंस लेना पड़ेगा। अगर कॉर्नर्स है तो वहां पे स्वैब लेने पड़ेंगे। इक्विपमेंट का एमओसी मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन मतलब कौन सा है, SS316 है, ग्लास है, टेप्लॉन है, ऑदर है, एक सिलेक्शन क्राइटेरिया हो सकता है कि अगर टेप्लॉन है तो उसका सरफेस एज कंपेयर टू ग्लास और SS ज्यादा स्मूथ नहीं होगा तो हमें वहां पे अलग तरीके से स्वैब लेने पड़ेंगे। अभी नेक्स्ट क्राइटेरिया है डिफिकल्टी, मतलब हार्ड टू क्लीन एंड हार्ड टू रीच एरिया। ऐसे एरियाज है, हार्ड टू क्लीन एरियाज है, वहां पे हमें स्वैब लेना पड़ेगा, और हार्ड टू रीच जो एरिया है वो केस में हमें रिंस अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद एक क्राइटेरिया आता है इक्विपमेंट सरफेस। इक्विपमेंट सरफेस में क्या रहेगा, मोर रफ एंड और मोर एक्सटेंसिव द कॉन्टेक्ट सर्फेस एरिया द हायर द रिस्क रेसिड्यू एक्युमुलेशन एंड कंटामिनेशन। तो ये केस में बड़ा सर्फेस है या रफ सर्फेस है, वो भी रफ सर्फेसेस शुड बी कंसिडर्ड फॉर द स्वैबिंग और रिंसिंग, दैट मीन्स रफ सर्फेस का सैंपलिंग हमें करना पड़ेगा। इसके बाद वर्स्ट केस प्रोसेस को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि यूजुअली क्लीनिंग वैलिडेशन में हम ये भूल जाते हैं कि हमने सब तो कर लिया, वर्स्ट केस प्रोडक्ट कर लिया, क्लीनिंग रन भी कर लिया है, लेकिन कैंपेन कंसिडर किया क्या, कितने कैंपेन के बाद, क्योंकि ग्रेड टाइप बी क्लीनिंग के बाद हमने क्लीनिंग वैलिडेशन तो कंसिडर कर लिया, लेकिन कैंपेन लेंथ कितने बैच के बाद आप रीक्लीन करने वाले हो टाइप बी से, वो कैंपेन का भी सैंपल हमें लेना पड़ेगा, और डर्टी इक्विपमेंट होल्ड टाइम भी करना पड़ेगा, क्लीन इक्विपमेंट होल्ड टाइम भी करना पड़ेगा। अगर मैनुअल ऑपरेशंस है तो मैनुअल ऑपरेशन में हमें टाइम डिफाइन करना पड़ेगा, टेम्परेचर डिफाइन करना पड़ेगा, और सीआईपी में सीआईपी के प्रोग्राम्स कंसिडर करने पड़ेंगे। तो वर्स्ट केस प्रोसेस कंडीशन भी हमें क्लीनिंग वैलिडेशन में समझने की जरूरत है। ओके, इसके बाद ये सब हमने कर लिया, लेकिन हमारा क्लीनिंग एजेंट भी हमें सिलेक्ट करने की जरूरत है, क्योंकि मेरा वर्स्ट केस हमने सिलेक्ट कर लिया तो वर्स्ट केस को क्लीन करने वाला हमारा क्लीनिंग एजेंट भी हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। यूजुअली क्लीनिंग एजेंट में कोई भी रिएजेंट जैसे टिपॉल है या SLS है, ऐसे
रिएजेंट्स या एजेंट्स, क्लीनिंग एजेंट्स, क्लीनिंग एड्स अवॉइड करने की बात की जाती है। हॉट वाटर या नॉर्मल वाटर आपको यूज करने की सलाह दी जाती है, बट बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ योर प्रोडक्ट एंड रेसिड्यू यू हैव टू सिलेक्ट द क्लीनिंग एजेंट। उसमें क्या क्या क्राइटेरिया है? फर्स्ट क्राइटेरिया है रेसिड्यू सॉल्युबिलिटी, जैसे मैंने बोला कि ये प्रोडक्ट का रेसिड्यू डिजॉल्व तो होना चाहिए उसमें, तो वो एक है। दूसरा टॉक्सिसिटी, तो ये शुड नॉट बी टॉक्सिक टू ऑपरेटर टू एनवायरमेंट, इट शुड बी सेफ टू एक्सटर्नल एनवायरमेंट, सेफ टू ऑपरेटर। एंड मटेरियल कंपेटिबिलिटी, मतलब उसका इंटरेक्शन हो कि कहीं नया रेसिड्यू बनेगा या मेरा इक्विपमेंट ये डिग्रेड करेगा, करोजन करेगा, तो ये क्लीनिंग एजेंट मुझे नहीं चलेगा। सो दीज आर द डिफरेंट क्राइटेरिया टू सिलेक्ट द क्लीनिंग एजेंट। सो विथ दिस इंफॉर्मेशन आई एम गोइंग टू स्टॉप हियर, बट बिफोर स्टॉपिंग आई रिक्वेस्ट यू टू विजिट पार्ट वन पार्ट टू, एंड ऑल्सो आई रिक्वेस्ट यू अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके कुछ सुझाव है, कमेंट्स है, तो मुझे आप वो बता सकते हो, उसके ऊपर मैं आपके सारे सवालों का, क्वेरीज का रिप्लाई देने का, आंसर देने का कोशिश करूंगा। और आने वाले जो वीडियोज है रिलेटेड टू क्लीनिंग वैलिडेशन उसको इम्प्रूव करने में मुझे मदद होगी। सो थैंक यू दोस्तों, once again thank you so much, thank you for your support। Jai Hind।